मंत्रालय कर्मचारियों की तीन सूत्री मांगों के समर्थन में आज बाड़मेर जिले के समस्त मंत्रालय कर्मचारी आक्रोश रैली के रूप में गांधी चौक से रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट तक आए। हमारी जो तीन सूत्रीय मांग है उसके लिए हम 14 दिन से कार्यालय का बहिष्कार कर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा सरकार हमारी इन वाजिब मांगों को मान नहीं रही है। सरकार कार्यालय सुन होने के बाद में भी, सरकारी योजनाएं ठप होने के बाद में भी सरकार सुन हो चुकी है, लेकिन सरकार के चेहरे, सरकार के मन और दिमाग पूरा सुन होने के बाद में भी अभी तक वो हमारी बात को मान नहीं रही है। और मंत्रालय कर्मचारी जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को एक्टिवेट करने का काम करती है, राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करती है, सरकार की रीढ़ की हड्डी मानने जानने वाला मंत्रालय वर्ग आज अपनी मांग के लिए सड़कों पर है और सरकार सोई हुई है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारा कर्मचारी एकजुट हो चुका है और हम हमारे माध्यम से सरकार को ये पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग शीघ्र नहीं मानी गई तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से अशोक गहलोत को अपना शासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, वही अस्त्र वसुंधरा सरकार का होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिला कलेक्टर को वसुंधरा की सरकार को पहुंचाने के लिए दिया गया। कलेक्टर साहब ने हमारी बात को पहुंचाने की बात की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि काम ठप हो चुका है। उन्होंने कहा आप हमें सहयोग करो, लेकिन हम आंदोलन रहता है, आंदोलन के अंदर ऐसी कोई योजना है जिससे आम जनता परेशान है, इमरजेंसी है, जैसे बाढ़ आ गई है, बरसात चल रही है, कोई जनता का व्यक्ति अगर पीड़ित है तो बिना प्रशासन के कहे हम खुद अपने आप जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो सरकार को तो ये एहसास होना चाहिए कि हमारी योजना, हमारा काम इन बाबू के बिना नहीं चल रहा है। ये अभी जिला कलेक्टर ने हमको बताया है, तो निश्चित रूप से हम इस बात से प्रसन्न है कि हमारे बिना प्रशासन का काम ठप है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, जिला कलेक्टर ने कहा कि आप इमरजेंसी काम में सहयोग करो, ऐसी इमरजेंसी होगी तो निश्चित तौर से बाबू कहीं पीछे नहीं रहेगा, जनता के लिए हमेशा वो अपने तन मन धन के साथ है। जैसा प्रदेश स्तर का नेतृत्व तो हमें आह्वान करेगा उस स्तर से हम कार्रवाई करेंगे। उनका न्याय समर्थन हमारे को पूरा पूरा प्राप्त है, इसलिए प्रशासन को भी हमारा पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। अबुलाजी संगले साहब।